हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। अगर आपने GNM या BSc कर रखी है तो आप भी एलिजिबल हो जर्मन जाने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल भी कर लिया है और किसी किसी की तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गई है। तो देखो, यहाँ पे जो जर्मन का प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो गया है। मतलब पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बताया नहीं था और काफ़ी स्टूडेंट उसके बारे में बार बार पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं वो भी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं तो उसके लिए आपको GNM चाहिए या फिर आपको BSc नर्सिंग चाहिए। अगर दोनों में से आपने कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो वहाँ पर जाने के लिए। दूसरी चीज़ थी कि कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था जहाँ पे बहुत ही कम पैसे में आप जर्मन लैंग्वेज सीख सको। तो उसके सोल्यूशन के लिए लास्ट टाइम मैंने आपके लिए एक इंस्टीट्यूट ढूंढा था जो कि ओनली 65,000 रुपीज़ में आपको जर्मन का पूरा ही प्रोसेस करवा के दे रहा है। इवन लैंग्वेज भी उसी में इंक्लूडेड है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट के ये क्वेश्चन भी आ रहे थे कि जो ऑफर लेटर है वो कितने टाइम में आ जाता है। पहले जो मैं सबको बता रहा था कि ऑफर लेटर जो है 10 दिन के अंदर अंदर या फिर 1 वीक टू 10 डेज के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन अभी जो रिसेंट में हमने स्टूडेंट वहाँ पे भेजे हैं और उनकी जिनकी इंटरव्यू क्लियर हो गई है उनको विद इन 10 to 15 मिनट्स मतलब आपको जो है ऑफर लेटर वहां से मिल जाता है जैसे ही आपकी इंटरव्यू क्लियर होती है। तो अगर इसके टोटल प्रोसेस की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था, फी स्ट्रक्चर वही हमारा सेम ही रहेगा। 10,000 देना है आपको स्टार्टिंग में जब आप एनरोल करते हो। एनरोलमेंट जब आपकी हो जाती है उसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो है इंटरव्यू शेड्यूल करी जाती है। इंटरव्यू जो आपकी होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपकी इंटरव्यू होगी और वो होगी जो जर्मन के मतलब यहाँ से आपको वीज़ा और यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी उनके थ्रू। तो उनके साथ आपकी इंटरव्यू होती है। जैसे ही आप उनकी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपकी, तो उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिल जाता है जो कि विद इन 72 आवर्स ही आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके हाथ में आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपको सबसे जो मेन चीज़ होती है वो उनकी जो फुलफिलमेंट करनी होती है वो है कि उनकी लैंग्वेज का आपको B1 का एग्जाम। लैंग्वेज में ऐसे है कि 10,000 आप पहले देते हो उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है। तो उसके बाद आपकी जो बाकी ड्यू पेमेंट है जो कि 55,000 होती है वो आपको देनी है लैंग्वेज सीखने से पहले। तो टोटल जो 65,000 है वही आपकी फीस रहेगी। तो उसके बाद 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो है B1 तक आप पहुंच जाते हो। तो इसमें देखो हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है। कुछ बहुत ही जल्दी कैच करते हैं चीज़ें, जैसे कुछ स्टूडेंट जो 4 महीने में B1 तक पहुंच जाते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 6 से 8 महीने भी ले लेते हैं। तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कैचिंग पावर कितनी है, मतलब कितनी जल्दी वो कोई नई लैंग्वेज सीख सकता है। तो वही सेम ये इंग्लिश वाला सीन है, कोई OET 2 महीने में कर लेता है, कोई 6 महीने, कोई 1 साल भी लगा देता है ना। तो ऐसे ही ये लैंग्वेज का भी है, कोई हो सकता है 4 महीने में कर ले, कोई 6 में, कोई 8 में, तो वो आपके ऊपर है। तो बाकी आप चाहे 3 महीने लगाओ, चाहे 6 महीने, चाहे 9 महीने में सीखो, पैसे आपको उतने ही देने जितने आपने दे दिए हैं, उससे ज़्यादा आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। तो इसमें जो सबसे मेन कन्फ्यूज़न थी मैं स्टूडेंट की यही दूर करना चाहता हूँ कि अगर 65,000 मैंने बोला है तो उतनी ही आपकी फ़ीस रहेगी। और अभी जो नवंबर 5 से इंटरव्यूज जो है स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो उनके अपने भी है वो भी क्लियर कर रहे हैं। तो जो मेरे थ्रू कुछ स्टूडेंट गए थे उन्होंने भी अपनी इंटरव्यू आराम से क्लियर कर ली है। तो इंटरव्यू जो होती है वो आपको पूरी चीज़ें वो बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कैसे रिप्लाई करना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट वाले बहुत टाइम से यही काम कर रहे हैं और इनको पूरा पता होता है। जैसे मुझे पता है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम यही काम किया है, और वैसे ही उनको भी पता है कि उनके स्टूडेंट से जो जो क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपकी जो इंटरव्यू होगी। तो इंटरव्यू में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे वो आपको पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताओ, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, आपने उनको अपने बारे में बताया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप जरूर याद रखना कि इंग्लिश के अंदर ही इंटरव्यू होगी आपकी। तो आप अपने बारे में बताते हो, फिर वो आपसे ये पूछते हैं अच्छा आपने नर्सिंग क्यों चूज़ करी। आपने उसका आंसर बताया कि मेरे ऐसे ऐसे मेरे मम्मी का सपना था या मेरे पापा का सपना था तक कि मैं अपनी बेटी को नर्सिस करवाऊँ या मैं अपने बेटे को नर्सिंग करवाऊँ, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो जो भी मतलब वो आपको तैयारी करवाएंगे इस चीज़ की। फिर आपने नर्सिंग के अंदर कौन कौन से पेशेंट देखे हैं, सबसे हार्डेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, या फिर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी तक आपको ऐसा कौन सा पेशेंट मिला है जो आपको लगा हो कि यार सबसे मतलब उसको हैंडल करना सबसे हार्डेस्ट था आपके लिए, है ना। मतलब इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो कि OET जब हम करते हैं उस टाइम पर भी कई बार हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो वार्म अप क्वेश्चन होते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे।
तो जैसे ही आपका वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको फिर लैंग्वेज ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको लैंग्वेज का स्टार्ट कर देना होता है। लैंग्वेज के लिए आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो, वो दोनों आपके ऊपर है। ऑफलाइन लो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे सब स्टूडेंट बैठे होते हैं ना, तो आप उनके साथ बात कर सकते हो जर्मन लैंग्वेज में, जो आप सीख रहे हो आप उनके साथ बातें करोगे थोड़ी सी, तो आपका फ्लो जो है अच्छा होगा, आप जल्दी B1 तक पहुंच जाओगे। तो इसमें आपको A1 A2 का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, ओनली B1 का एग्ज़ाम होता है। जैसे आप B1 क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो बाहर जाने के लिए। तो बाकी वीज़ा और टिकट्स की फ़ीस भी कई बार आपकी वहीं से मिल जाती है, तो आपको अलग से कुछ पैसे पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी हर क्लाइंट का अलग अलग होता है, कोई आपको अकोमोडेशन भी देता है 3 मंथ की, कोई आपको 1 मंथ की भी देता है, या कोई आपको कई बार प्रोवाइड नहीं करता है ना, या उसके लिए अलग से आपसे चार्जेस करते हैं वहाँ पे जाने के बाद। तो वो सारी जो चीज़ है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कहाँ पे जॉब लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जर्मन का प्रोसेस स्टार्ट करना है और आप चाहते हो कि ओनली 65,000 में मेरा पूरा ही काम हो जाए, तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आप फिल कर देना, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपने GNM BSc कहाँ से करी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। आपको जस्ट वो फॉर्म सबमिट करना है, तो वो फॉर्म आपका मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको कॉल करूँगा। फिर उसके बाद आप अगर कोई और डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो मैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ आपकी बात करवाऊँगा। तो बाकी और कुछ भी डाउट्स होगा तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे विजिट करना चाहो तो उनका पूरा एड्रेस वो आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, आप विजिट करके भी अपना ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको अगर घर बैठे बैठे ही ज्वाइन करना है तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और एक चीज़ मैं आपकी और कंफर्म करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे थे उन्होंने लास्ट वीडियो के नीचे कि आपने टैक्स के बारे में तो बताया नहीं, वहाँ पर बहुत टैक्स है, मतलब जितना आप कमाते हो उतना आपका चला जाता है, ऐसा है ना। तो देखो, टैक्स की अगर बात करें, टैक्स तो इंडिया में भी है, आप हर चीज़ के ऊपर GST देते हो है ना, लेकिन ये है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो। तो वैसे ही सेम अगर आप UK में चले जाते हो, UK के अंदर भी आपको टैक्स देना है 20-30%, क्योंकि आपकी सैलरी जो है लाखों में हो जाती है इंडिया के हिसाब से, और वहाँ के हिसाब से भी एनुअल सैलरी के ऊपर आपको मतलब टैक्स देना होता है। तो वही सेम जो टैक्स रेट है, जितनी आपकी सैलरी मतलब 2.8 लाख अगर सैलरी आपकी लगेगी, 2,80,000 सैलरी लगती है, मतलब 3100 यूरो के हिसाब से अगर हम काउंट करके चले 2,80,000 बनती है, और अगर वही हम आपकी साल की देखें तो आराम से मतलब 20 के ऊपर चली जाती है, और उनके हिसाब से वहाँ पे आपको 20 या 25% आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो वहाँ पे 20% का मतलब क्या है, अगर आपने 20 लाख रुपया कमा लिया तो 4 लाख रुपये आपके टैक्स में चले जाएंगे। बाकी किसी भी जगह पे जाओगे तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे UK में चले जाओ, वहाँ पे भी 20-30% टैक्स आपको देना पड़ता है, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, मतलब टैक्स तो आपको इवन इंडिया में भी आप रहो वहाँ पे आप टैक्स दे रहे हो। तो बाकी अगर जर्मन के प्रोसेस के लिए आपको भी तैयारी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट वो लिंक पे फॉर्म फिल करो और अपना जर्मन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।